तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब कर स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी की एक और नई चैप्टर यहाँ पे, जिसकी हम टॉप 50 एमसीक्यू यहाँ पे करने वाले, जो कि आपकी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम की हमारी थर्ड टॉपिक है जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम करने वाले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में मैं सारे टॉप 50 एमसीक्यूज कराऊंगा, साथ ही साथ उस क्वेश्चन की डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर पेरेंट की ब्लड ग्रुप ये है, मदर की ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे की क्या होगी, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के बीच में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, ठीक है। और आप सभी को इस चैप्टर के अंत होने के बाद अगर जो आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियो और लेक्चर आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर की डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है, जो थ्योरेटिकल बेसिस वाली, अभी तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट अगर जो थ्योरी भी आपको चाहिए इस चैप्टर की, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन, जिसके आप सब जान रहे हैं, सर्कुलेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो आपकी बॉडी में जो फ्लूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये हमने यहाँ पे फिगर ले लिया सर्कुलेशन की। दोस्तों ये इस फिगर को देख करके आप अच्छे से जान पाएंगे कि सर्कुलेशन किस तरह से हमारे बॉडी में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, जो ब्लू कलर की होती है एक, वैसे तो इसे दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, ये आपकी लंग्स वाली पार्ट है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन चैप्टर में समझ लिया लंग्स की पार्ट, इसको पल्मोनरी कैपिलरीज कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है रेड वाली, ठीक है, और यहाँ पे प्री वेना कावा है, ठीक है। यहाँ पे राइट आट्रियम में हर्ट की टोटल चार चैम्बर होती है। दोस्तों आप सभी को पता है, चारों चैम्बर की बहुत यहाँ पे फंक्शन होती है। तो जो आपकी लेफ्ट राइट चैम्बर होती है, उसे हम आट्रियम कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको देखने में ये लेफ्ट लग रहा होगा, बट ये हर्ट की तरफ से हम बात कर रहे हैं, ये हर्ट की राइट है। अगर जो आप अपना हर्ट अपने आप ले लीजिए, उसकी राइट किस साइड होगी और इसकी राइट देखेंगे, तो एक ही तरह आपको लगेगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट में होती है, उसको हम राइट आट्रियम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट आट्रियम में ऊपर वाले को, और नीचे को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा गाइज। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों ये सारी चीज़। अब देखिए, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल देख लिया, और यहाँ पे एड्रेनल ब्लड है, और यहाँ पे कैपिलरी जो होती है, पेरिफेरल टिश्यू, ये सारे है, ठीक है, ये ब्लैक ब्लड है। चलिए दोस्तों, ये आपने सर्कुलेशन की फिगर आपने देख लिया, ये फिगर आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी में से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होते हैं। जिसके आपको पता हो दोस्तों, राइट पार्ट ऑफ द आट्रियम यानी कि राइट पार्ट ऑफ द हर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और लेफ्ट पार्ट वाली जो पोर्शन होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। और अगर जब हम बात करें हर्ट के बारे में, तो दोस्तों हर्ट बहुत तरह की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जैसे कि हर्ट आपकी दोस्तों साल्ट की ट्रांसपोर्टेशन कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कराती है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा करवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। हमारा चैप्टर था सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल जितने सारे एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हेमोग्लोबिन हैज़ द हाइस्ट एफिनिटी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि होमोग्लोबिन की हाइस्ट एफिनिटी किसके साथ होती है, यानी कि होमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किसके साथ कंबाइन होती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा कंबाइन होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया था स्मोकिंग के बारे में दोस्तों, कि हम स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं, तो होमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, इसमें ग्लोबिन होती है, इसे आपको पता होता है, होमियो प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन जो होती है दोस्तों, इसमें प्रोटीन होते हैं, और जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है दोस्तों, होमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन कैरी करती है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करती है अपने टिश्यूज़ के साथ, और इसी के साथ ये क्या करती है दोस्तों, एक्सचेंज करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है यहाँ पे। तो होमोग्लोबिन की क्या होती है दोस्तों, हाईएस्ट एफिनिटी होती है किसके टुवर्ड होती है दोस्तों, O2 के टुवर्ड होती है, और CO2 के टुवर्ड होती है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे बट वाली बात आती है, तो हाईएस्ट एफिनिटी की अगर जब हम बात करें, तो ये दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के होती है, उसके साथ होती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बता रखा था कि जब स्मोकिंग क्यों इंजुरियस होती है इंसान के लिए, उसके बारे में मैंने डिस्कस कराया था दोस्तों। अगर जो आपने लास्ट वीडियो देखा हो, तो आपको समझ में आया क्या होगा कि क्या होती है होमोग्लोबिन जो होती है दोस्तों, होमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है तो ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाती है, बट इसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जो
अटैच होती है, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड यानी कि सीओ को जो अटैच होती है तो ये कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बना देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है ब्लड के लिए। वो क्या करती है, ब्लड की कैपिलरीज़ को, ब्लड की पार्ट को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया जो डिजीज़ होती है उसकी सिम्टम कौन सी है। तो दोस्तों हेमोफीलिया की जब हम बात करेंगे तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो क्रोमोजोम नंबर 17 पे होती है, ठीक है। अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जो हमारे क्रोमोजोम नंबर 17 होती है, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 17 पे ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है दोस्तों, ठीक है। ये जेनेटिकली चलती जाती है, आगे आपकी ऑफस्प्रिंग पे भी इसका प्रभाव पड़ते रहता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़ है जो कि क्रोमोजोम नंबर 17 पे होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है दोस्तों ये क्यों होता है, ठीक है, यानी कि किसके कमी के कारण हो जाती है। तो हेमोफीलिया में क्या होती है, सिम्टम क्या है इसकी। तो दोस्तों हेमोफीलिया की जब हम बात करते हैं तो देखिए हेमोफीलिया जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होती है वो इसमें होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी किसी किसी इंसान को हेमोफीलिया होती है यानी कि क्रोमोजोम नंबर 17 में होती है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है सर। तो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि सिम्टम क्या होती है। तो दोस्तों इसमें जो ब्लड आपका, अगर जो सपोज़ कभी आपका हाथ कट जाता है तो आपकी खून जो होती है वो दोस्तों जमती नहीं जलती, बस निकलते जाती है, निकलते जाती है, निकलते जाती है, निकलते जाती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होती है वो उसमें नहीं होती है, यानी कि नो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि नो क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाती है, यानी कि ब्लड जमना बंद हो जाती है, ब्लड रेगुलरली निकलते जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दस माइनर यानी कि माइनर वुंड जो होती है, जो आपके बहुत सारे ब्लड की लॉसेस हो जाती है आपके होमन में, मानते हैं कि किसी भी इंसान में, जिसके आपको पता है कि अगर जो उस इंसान में ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे से कटे हुए पार्ट पे, छोटे छोटे से वुंड्स पे बहुत सारे खून निकल जाएंगे और वो इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगले सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप। तो देखिए यूनिवर्सल डोनर जो होती है उसकी ब्लड ग्रुप कौन सी होती है, ये आपको सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो यूनिवर्सल डोनर जो होती है आप सभी को पता है, ये ओ पॉजिटिव होती है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होती है, ए बी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगला सवाल हम देख रहे हैं, हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी। तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टाइनर जो है उन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवर की थी, कार्ल लैंडस्टाइनर, ठीक है। स्पेलिंग में आपको बता दूँ तो KARL, ठीक है, KARL कार्ल, और यहाँ पे लैंडस्टाइनर लिखा हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवर की थी, और दोस्तों इन्होंने टोटल यहाँ पे चार ब्लड ग्रुप बताए थे 1901 के दौरान, इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। इन्होंने चार ब्लड ग्रुप बताया था, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक से बी है, उसके बाद ओ, उसके बाद ए बी, टोटल चार ब्लड ग्रुप इन्होंने बताया था दोस्तों। तो चलिए अब हम जान लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ब्लड ग्रुप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे आ जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ब्लड से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा ब्लड ग्रुपिंग से, तो आप अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुपिंग ले लिया, टेबल हमने यहाँ पे ले लिया, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ए बॉर्न बेबी, यानी कि जो नई बेबी आएगी उसकी ब्लड ग्रुपिंग की। तो दोस्तों 1901 में जो कार्ल लैंडस्टाइनर ने जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, इन्होंने बताया था कि टोटल चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, टोटल चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग होगी, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स यहाँ पे हमने ले लिया, पेरेंट्स ए ले ली, पेरेंट्स बी ले लिया। अब सपोज कि पेरेंट ए की ब्लड ग्रुप ए है और पेरेंट बी की ब्लड ग्रुप दोस्तों अगर जो ए और बी है यानी कि, तो उसके चाइल्ड की ब्लड ग्रुप कौन कौन सी हो सकती है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर जो ए है और बी है तो यहाँ पे ए आ रही है, यहाँ पे बी आ रही है, ए बी आ रही है और ओ आ रही है। देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे ए बी है, बट यहाँ पे ओ कहाँ से आ गया दोस्तों, ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो चलिए मैं आपको यही चीज़ क्लियर करने के लिए ये वाला टॉपिक यहाँ पर मैं उठाया हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो ब्लड ग्रुपिंग की जो ये सिस्टम होती है, यहाँ पर एंटीजन के ऊपर बात किया जाता है। ईच ब्लड ग्रुप के पास दोस्तों दो एंटीजन होती है, इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, एक एक ब्लड ग्रुप लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप ए होती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए जो होती है दोस्तों, इसमें दो तरह की एंटीजन होती है, जिसे कहा जाता है आई ए और आई बी कहा जाता है, ठीक है, ये आई ए स्मॉल आई और आई ए और आई बी, ठीक है। तो हर ब्लड ग्रुप में दोस्तों दो एंटीजन होती है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई ए और आई बी, ठीक है।
तो देखिए यानी कि किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास आई ए भी है, और सॉरी आई बी नहीं, आई ओ होता है, ठीक है। और जो किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास आई ए, यानी कि ये ए वाला तो ए आएगा ही, बट दोस्तों उसके पास ओ यानी कि यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है, सॉरी यूनिवर्सल डोनर जो होती है वो ओ होती है, तो ओ इसके साथ अटैच रहती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब जब भी आपको ब्लड ग्रुप ए दिखाई देगा तो आप समझ जाएगा कि ए तो ही है, बट इसके पीछे ओ भी छुपा हुआ है, एक और एंटीजन, दो एंटीजन होती है ईच ब्लड ग्रुप में, दो एंटीजन होती है, एक खुद जो वो है वही रहती है और दूसरा वहाँ पे ओ हो जाती है। अब बी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो बी के भी जस्ट उसी तरह से यहाँ पे आई बी और आई ओ होती, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर है क्या होती है दोस्तों, आई सॉरी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आई ओ, और देखिए बी के को जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आई बी और यहाँ पे आई ओ रहती है, यानी कि दो एंटीजन होती है हर एक ब्लड ग्रुप में। तो इसी आधार पे दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ब्लड ग्रुप ए और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि ए की क्या होती है दोस्तों, ए की आई ए होती है और आई ओ होती है, बी की क्या होती है आई बी होती है और आई ओ होती है। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे ब्लड ग्रुप बनेंगे, यानी कि जो चिल्ड्रन होगा ये दोनों पेरेंट्स के अगर जो चिल्ड्रन होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जितने सारे दिए गए चार पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास। तो देखिए एक और जो ये मिक्स होगी, ठीक है, ये मिक्स किस तरह से होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया आई ए और आई ओ, यहाँ पे आई बी और आई ओ ले लिया, ठीक है। तो जब ये मिक्स होंगे यानी कि दोनों के मिक्स करके ही बनेंगे, तो अगर जो ये दोनों मिक्स होता है दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई ओ और आई बी मिलकर ब्लड ग्रुप बी बना देगा, और यहाँ पे आई ओ और आई ओ मिला करके दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ बना देगा, ठीक है। ए और बी मिला करके आपका ए बी बना देगा, और ओ मिला करके दोस्तों आपकी क्या बना देगा, सॉरी बी बना देगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये ए बना देगा, ठीक है। तो इसी तरह से ब्लड ग्रुपिंग होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिक्सिंग इस तरह से होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले ए बी और ए के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पे ईच ब्लड ग्रुप में दो एंटीजन होती है, बट दोस्तों यहाँ पे ए बी जब आपको दिखाई दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको दो एंटीजन ऑलरेडी दिखाई दे रही है, एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है। तो अब हम पेरेंट्स बनाएंगे दोस्तों, पेरेंट्स बना लिया हमने यहाँ पे ए बी के लिए और यहाँ पे बना लिया ए के साथ, हम ये सेकेंड वाला ले रहे हैं, ठीक है। ए ले लिया हमने, ए के पास दो एंटीजन होगी दोस्तों आई ए और आई ओ होगी, और ए बी के पास दोस्तों आई ए और आई बी होगी, क्योंकि दो एंटीजन है और दो एंटीजन साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, जस्ट आपको वही लिखना। अब जब ये ब्लड ग्रुप मिक्स होगी दोस्तों, आई ए और आई ए मिला करके ब्लड ग्रुप ए बनाएगी, आई ए और आई ओ मिला करके ब्लड ग्रुप ए बनाएगी, और आई ए और आई बी मिला करके ब्लड ग्रुप ए बी बनाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी देखेंगे तो आई ओ की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि ओ की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने जो देखा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप हमारे बना ए बी और ए के साथ, ये ए बना और ए बी बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पेरेंट की दोस्तों, तो इसी तरह से आप सारे के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में किसी तरह का सवाल आएगा दोस्तों, तो आप आसानी से ब्लड ग्रुपिंग का निकाल पाएंगे कि कोई किसी भी बॉर्न बेबी में किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो दोस्तों अगर जो ये समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर जो नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है गाइज। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कि ब्लड की कलर रेड क्यों होती है, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्लड की कलर रेड क्यों होती है। तो दोस्तों ब्लड की कलर रेड इसलिए होती है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होती है, जो हेमे होती है दोस्तों, ठीक है, हेमे जो होती है एच ए ई एम ई, ठीक है, हेमे जो होती है दोस्तों, इसके बारे में अगर जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा, तो ये दोस्तों आपकी गैसेस के एक्सचेंजेस में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। तो यानी कि क्या करती है, एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस में जो आर बी सीज के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर में जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसमें भी ये हेमे पार्टिकल मदद करती है दोस्तों। हेमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह की प्रोटीन है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्लड की कलर रेड क्यों होती है, हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होती है, ठीक है। अगले सवाल यहाँ पे देखते हैं, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरीज कौन सी होती है, ठीक है, ये आपको सवाल में पूछा जाता है। दोस्तों जो एरोटा होती है वो इंसान में सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है, एरोटा जो होती है ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ये 2016 की एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2016 की ये सवाल, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ। तो द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज अरोटा, ओके। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड लीड टू द कंडीशन कोल्ड, देखिए किसी इंसान के बॉडी में अगर जो आरबीसी की काउंट बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ते जाएगी तो उसको कौन सी कठिनाई से, यानी कि उनको कौन सा कठिनाई झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों एक नाम होता है दोस्तों, एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है दोस्तों
पोलीसाइथेमिया, ठीक है। पोलीसाइथेमिया दोस्तों एक ऐसा डिजीज़ है, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान की आरबीसी की काउंट लगातार बढ़ती जाती है, यानी कि हाइपर आरबीसी उनके पास हो जाती है, ठीक है। तो पोलीसाइथेमिया उस चीज़ का नाम है दोस्तों। तो देखिए पोलीसाइथेमिया एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आरबीसीज़ की नंबर इंक्रीज करने लगती है ब्लड में, और पोलीसाइथेमिया दोस्तों ये क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, लो ऑक्सीजन लेवल कर देती है, जिसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहा जाता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, हाइपोक्सिया कहा जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल ब्लड में काउंट हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये जब इसी में हम आगे बात करते हैं, तो देखिए ये आपको हाइपोक्सिया तो क्रिएट कराती है, और पर्सन में क्या होती है, फैटिग हो जाती है, फैटिग उसमें फील होने लगती है, और आरबीसी के काउंट के बढ़ने के कारण हेल्थ में बहुत ख़राब से कंडीशन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये इसके इसके कारण दोस्तों बहुत सारे फैक्टर है। देखिए अगर जो कोई इंसान बहुत स्मोकिंग कर रहा हो, या फिर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ उसको पहले से है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस उसको है, तो ये चीज़ उसके साथ हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की काउंट अगर जो बढ़ती जाती है, पोलीसाइथेमिया इसे कहा जाता है, बट ये बहुत सारे कारण के वर्ष होती है, ठीक है। तो अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, हेमेटोपोएसिस टेक प्लेस इन, हेमेटोपोएसिस क्या होती है दोस्तों। तो हेमेटोप्लेसी दोस्तों, हेमेटोपोएसिस जो होती है दोस्तों, ये आपकी बोन मैरो के अंदर होती है, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या होती है दोस्तों, यानी कि जितने तरह के ब्लड होती है, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ द ब्लड सेल इंक्लूडिंग फॉर्मेशन डेवलपमेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ द ब्लड सेल, यानी कि ये सारे चीज़ हेमेटोपोएसिस के अंदर होती है, ठीक है। यानी कि जितने सारी चीज़ होती हैं, जो सेल्स की फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, सारे हेमेटोपोएसिस के दौरान ही किया जाता है, ठीक है। हेमेटोपोएसिस जो कॉमनली आपके लीवर में होती है, ठीक है, और बोन मैरो और योल्क सेल में भी होती है, ठीक है, लीवर में भी इसे बहुत बार देखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हेमेटोपोएसिस मेनली दोस्तों बोन मैरो के अंदर किया जाता है, ठीक है, इस बात को पीछे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, ये हमने देख लिया, अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन ऑफ ए कपल हैपिंग ब्लड ग्रुप ए एंड बी। तो देखिए दोस्तों ये सवाल मैंने अभी आप सभी को समझाया एक टेबल के साथ, कि पेरेंट की अगर जो ब्लड ग्रुप कुछ है तो उसके चिल्ड्रेन की क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल आपको पूछा गया है यहाँ पे, कि पेरेंट की ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट की ब्लड ग्रुप भी है, तो ये दोनों का जब विवाह होता है और इन दोनों का बेबी होता है, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से हुए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ए के पास आई ए होती है और आई ओ होती है, बी के पास आई बी होती है और आई ओ होती है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेगी दोस्तों, ये आपकी ब्लड ग्रुप बनेगी, ये दोनों जब मिक्स करेगी तो यहाँ पर आपकी ए बी ब्लड ग्रुप बनेगी, ये दोनों मिक्स करेगी तो ए बनेगी, ये दोनों मिक्स करेगी तो ओ बनेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जितने तरह की ब्लड ग्रुप होती हैं, चारों ब्लड ग्रुप आपके पास आ जाएगी, यानी कि ए बी ओ, ठीक है, ये चारों तरह की ब्लड ग्रुप जो होती है सारे ए और बी वाले कैंडिडेट के पास, यानी कि ए और बी वाले पेरेंट के जो चिल्ड्रेन होंगे, इनके पास प्रोबेबिलिटी ये है कि ये चार ब्लड ग्रुप उनके बच्चे में हो सकती है, ठीक है, ये सारे प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ये चारों के अंदर में ही उनके बच्चे होंगे, यानी कि जो उनका बच्चा होगा उनकी ब्लड ग्रुप यही रहेगा, इससे डिफरेंट नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के कारण कौन सा दिया गया यहाँ पे है जो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो दोस्तों ये आपकी एचआईवी है, ठीक है, एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, या फिर ह्यूमन इम्यून वायरस जिसे कहा जाता है, एचआईवी को ह्यूमन इम्यून वायरस, ठीक है। ये क्या होती है दोस्तों, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के कारण ये हो सकती है किसी को। और दोस्तों हम बात करेंगे एचआईवी वायरस की, तो ये आपकी एक तरह की एसटीडी वायरस है, ठीक है। एचआईवी कॉजेज यानी कि एचआईवी जो है ये एक दोस्तों पैथोजन है, ठीक है, डिजीज कॉजेज ऑर्गेनाइजिंग एचआईवी पैथोजन है, ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है जो क्या कॉज कराता है दोस्तों, एड्स कॉज कराता है। क्या कराती है, एड्स कॉज कराती है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, जो क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीएस होती है, ठीक है। और जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा क्या करती है दोस्तों, असर कराती है, ठीक है, इम्यूनिटी को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, एकदम तोड़ देती है इम्यूनिटी को, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। तो यहाँ पे दिया गया सवाल में दोस्तों आपको पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो आपकी ब्लड को लीवर की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर की तरफ लेके जाता है, ठीक है।
दोस्तों जो ब्लड को लीवर की तरफ जो लेकर के जाता है दोस्तों, ये आपका होता है दोस्तों हेपेटिक आर्टरी है, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी। तो दोस्तों हेपेटिक, हेपेटो मतलब होता है दोस्तों लीवर, ठीक है, हेपेटो मतलब क्या होता है दोस्तों, लीवर होती है, तो इसी से आप जान जाते हैं हेपेटिक आर्टरी से कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए अच्छे से। तो हेपेटरी आर्टरी दोस्तों ये क्या होती है, एक कॉमन ब्लड वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है, कहाँ तक, लीवर तक करती है, और गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी तक भी करती है, और पैनक्रीज तक भी करती है, ठीक है। और ये क्या होती है दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझ गए। तो चलिए आगे अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। व्हेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट इन द ब्लड, विच ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग। तो दिए गए ऑप्शन में आपको दोस्तों ये कहा जा रहा है, इस सवाल में आपको कहा जा रहा है, अगर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि अमोनिया या यूरिया, ये जितने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ये अगर जो एक्यूमुलेट हो जाएगी ब्लड में, तो ऐसा कौन सा दिया गया ऑप्शन में ऑर्गन है जो वो फंक्शन करना बंद कर देगी, यानी कि ब्लड में अमोनिया, यानी कि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की काउंट अगर जो बढ़ जाएगी, ठीक है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की काउंट बढ़ जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। दोस्तों ये सिंपली दोस्तों किडनी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि किडनी का काम होता है फिल्टरेशन, और जितने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है ये सारे को फिल्टर किडनी ही कराता है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गन है किडनी जो काम करना बंद कर देती है, फेल्योर ऑफ किडनी ब्लड में बहुत सारे अमोनिया यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्यूमुलेट होने के कारण हो जाती है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है दोस्तों जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट बार बताया था, ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों विलियम हार्वे जो थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि ब्लड की सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में किस तरह से होती है, ठीक है। तो विलियम हार्वे इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन ये क्या होती है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन द बॉडी थ्रू द आर्टरीज इन द वेन, यानी कि आर्टरी और वेन में जितने तरह की ब्लड यानी कि मूवमेंट, ब्लड की मूवमेंट होती है, उसे ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। विलियम हार्वे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन होती है ह्यूमन बॉडी में, 1616 में ही इन्होंने ये बात बता दिया था। अगले सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। तो बेस्ट कोलेस्ट्रॉल दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है दोस्तों, तो आपकी ये HDL जो होती है, इसे बेस्ट कोलेस्ट्रॉल कहा गया है, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होती है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है, ठीक है, जो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, ठीक है, एनिमल सेल के, ठीक है, एनिमल सेल से सिंथेसिस करके कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज ए ट्रांसपोर्टेड विथ लाइपोप्रोटीन, यानी कि लाइपोप्रोटीन जो होती है उसके अंदर ही इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत तरह टाइप के लाइपोप्रोटीन्स होते हैं दोस्तों जो ब्लड में पाया जाता है HDL में। HDL का प्रॉब्लम होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, जो कि बेस्ट कोलेस्ट्रॉल होती है, ठीक है। HDL का फुल फॉर्म है दोस्तों हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया रिफर्स टू, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है दोस्तों, इस सवाल में आपको पूछा जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे चार दे दिए गए हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों लो शुगर लेवल इन ब्लड, यानी कि ब्लड में अगर जो शुगर लेवल एकदम कम हो जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया ये दोस्तों ये मेडिकल कंडीशन होती है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर जो 72 mg/dL के नीचे चले जाती है, ठीक है, 72 mg/dL के नीचे चले जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जो जिसके कारण दोस्तों किडनी के फेलियर और लीवर के बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अभी तक बहुत बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों, हर किसी एग्जाम में ये सवाल को पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर को काउंट करता है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज, तो देखिए ह्यूमन ब्लड में कौन सा ऐसा शुगर है जो दोस्तों पाया जाता है। हमने बहुत तरह के शुगर यहाँ पे देखा है, लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा है, सुक्रोज होती है, ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है, लैक्टोज होती है। तो ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड में होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों ये ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है, ग्लूकोज शुगर सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो अगला सवाल हम देखते हैं, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज टू, तो हाइपरटेंशन दोस्तों क्या होती है, तो दोस्तों हाइपरटेंशन कब होने लगती है इंसान की, तो दोस्तों आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर, यानी कि हाइपरटेंशन कब होता है इंसान में, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है दोस्तों जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन करेंगे, और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हाइपोटेंशन कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ द ब्लड इन मैन इज, तो ह्यूम देखिए मैन में अगर जो फास्टिंग के दौरान हम बात करेंगे, जब फास्ट किया जाता है तो उस दौरान मेल की एवरेज शुगर लेवल क्या होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो फास्टिंग में कोई इंसान रहता है तो उसकी शुगर लेवल नॉर्मल कितनी होनी चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड में,
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इस सवाल का दोस्तों जब हम बात करते हैं, ठीक है, इस सवाल की जब हम बात करते हैं आंसर का दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 से 100 mg, ठीक है, 80 से 100 mg रहेगा फास्टिंग फास्टिंग करने वाले मैन में। तो ये पर 100 ml में, ठीक है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल दोस्तों 80 to 100 mg होनी चाहिए। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ वन पेरेंट इज ए बी एंड द अदर इज ओ, द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड चिल्ड्रेन विल बी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन की आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट करके हमें बताना है दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैं आपके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए दोस्तों, एक से एक कंसेप्ट मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आगे से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके आंसर दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आप बताते हैं इसका आंसर, आप कितना समझ पाए हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, द इम्यूनिटी कॉज बाय बीटा लिम्फोसाइट इज कॉल्ड। तो दोस्तों, बी लिम्फोसाइट जो होती है उसके कारण जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान से सवाल है दोस्तों, इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या होती है दोस्तों, टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होती है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। लिम्फोसाइट क्या होती है दोस्तों, टाइप ऑफ WBC होती है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती है, ठीक है, जो आपकी इम्यून सिस्टम की एक पार्ट होती है। दो टाइप की लिम्फोसाइट होती है दोस्तों, इसमें तो हमने बी लिम्फोसाइट देखा ही, एक होती है टी लिम्फोसाइट, ठीक है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। तो बी सेल जो होती है दोस्तों, वो एंटीबॉडीज क्रिएट कराती है जो आपकी ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए बी लिम्फोसाइट दोस्तों इम्यूनिटी क्रिएट कराती है, इस बात को आप याद रखिएगा। और टी लिम्फोसाइट के बारे में जब हम बात करें दोस्तों, तो ये आपकी क्या करती है, पैथोजेंस के कारण आइडेंटिफिकेशन कराती है कि आपको कौन सी पैथोजेन हो रही है, ठीक है। बहुत बीटा लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट दोस्तों क्या होती है, आपके सेल को डेवलप कराती है, ठीक है, बोन मैरो को डेवलप कराने में बहुत बड़ी योगदान है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों की, ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन ए ह्यूमन बिंग। तो देखिए, ह्यूमन बिंग में देखिए यहाँ पे फास्टिंग की बात नहीं हो रही दोस्तों, फास्टिंग की हमने आंसर देख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे आपको कहा जाए नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल में, एवरेज मैन में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो ये होनी चाहिए 120 to 150 mg। फास्टिंग में हमने देखा है 80 to 100 mg, ठीक है, mg पर DL होती है, बट यहाँ पे हमने देखा 120 to 150 mg per DL होगी नॉर्मल बॉडी के लिए, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल इज, तो दोस्तों आपको इस सवाल में पूछा गया द वार्म ब्लडेड एनिमल इज, तो वार्म ब्लडेड एनिमल कौन सी है, तो दोस्तों जो बैट होती है ये आपकी वार्म ब्लडेड एनिमल होती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वार्म ब्लडेड एनिमल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी भी सिचुएशन में, उसे कहा जाता है दोस्तों वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बहुत देखिए उन्हें बहुत बहुत बाद एंडोथर्मिक और हेमोथर्मिक भी कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों बर्ड्स एंड मैमल, जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो मैमल्स की हम बात कर रहे थे, तो बैट आपको पता है बैट क्या होती है दोस्तों, मैमल्स होती है, ठीक है, और वो बर्ड में भी आती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल दिए गए ऑप्शन में से कौन है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल के बारे में जब हम पहले बात कर लेते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या है, देखिए दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो है जो अपने जो टेम्परेचर होते हैं दोस्तों, ठीक है, अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि कैपेबल रहते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, जैसा जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह में इसे ढाल लेने का, ठीक है। तो इस तरह की जो एनिमल्स होते हैं उसे दोस्तों पोइकिलोथर्मस कहा जाता है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपकी किसी भी एग्जाम में। अगर जो क्वेश्चन थर्म पे पूछा जाता है कि अगर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को और दूसरे वर्ड में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे पोइकिलोथर्मस कहा जाता है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, पोइकिलोथर्मस कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल को। तो दोस्तों इस सवाल का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है आपका दोस्तों यहाँ पे टॉर्टोइज, ठीक है, टॉर्टोइज दोस्तों आपको पता है, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपलसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा दिया गया ऑप्शन में दोस्तों आपको सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा ब्लड सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग होने के लिए, ठीक है, इस सवाल में आपको ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपके प्लेटलेट्स, तो जो आपके प्लेटलेट्स रहते हैं जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के होने के वगैरह दोस्तों ब्लड की कोगुलेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। प्लेटलेट्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग सेल है,
प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड क्लोटिंग सेल है, इसके बिना ब्लड क्लोट नहीं हो पाती। प्लेटलेट क्या होती है दोस्तों? प्लेटलेट्स एक न्यूक्लिएटेड सेल होती है, ठीक है, जो आपकी बोन मैरो की टिश्यू में काम आता है वो होता है, ठीक है। इसके मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो दोस्तों ये क्या करती है, स्टॉप ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ वन, यानी कि आपकी किसी साइट में जहाँ आपको घायल हुए हैं वहाँ से आपकी क्या होती है दोस्तों, ब्लड अगर जो बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगती है, तो प्लेटलेट्स की काउंट अगर जो आपके बॉडी में अच्छे तरीके से है दोस्तों, तो आपके खून बहुत जल्दी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, कॉगुलेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, क्लॉट हो जाएगी, ठीक है, क्लॉट हो जाती है बहुत जल्दी। प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस ह्यूमन में प्लेटलेट्स की कमी है दोस्तों, उसकी ब्लड अगर जो वंश होती है तो उसकी खून लगातार निकलते जाएगी, ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं, ए पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द पर्सन। अब यहाँ पे बात है दोस्तों कि जो पर्सन के पास ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो किस पर्सन से, यानी कि किस पर्सन से वो खून ले पाएगा, ठीक है, सीवियर कंडीशन में, यानी कि ऐसा कंडीशन कि उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो किसके किससे ब्लड ले सकता है ए बी वाले, ठीक है, तो आपको ये सवाल में ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ए बी की अगर जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो ए बी क्या होती है दोस्तों, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होती है। क्या होती है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि किसी भी तरह की ब्लड ग्रुप हो, वो सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले पाएगी ए बी, ठीक है। क्योंकि हम ए बी के बारे में जब बात करते हैं दोस्तों, तो हमने आपको क्या बताया, हर एक ब्लड ग्रुप में दो तरह की एंटीजन होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो एंटीजन दोस्तों आपकी आई ए और आई बी है, ठीक है, आई ए और आई बी है। और जो आई ए के अंदर हम एंटीजन देखेंगे, तो यहाँ पर आई ए और आई ओ होती है, यानी कि ओ से भी ले सकती है, ए से भी ले सकती है, बी से भी ले सकती है, यानी कि ए बी पॉजिटिव वाला जो इंसान है उसके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, वो उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर किसी से ब्लड ले सकता है, और ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। अलग सवाल हम देखते हैं, मेटल प्रेजेंट इन द ब्लड। देखिए, इंसान के ब्लड में ऐसा कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, ये आपके सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो ह्यूमन बॉडी में जो मेटल प्रेजेंट होता है दोस्तों, वो आयरन होती है, ठीक है, आयरन मेटल ही आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपके प्लेटलेट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड के पास प्लेटलेट होता है जिसे आरबीसी कहा जाता है, जो क्या कहते हैं, पिगमेंट कंटेंट करती है, जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है, और हेमोग्लोबिन जो होती है दोस्तों, वो ग्लोबिन की प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है, और उसमें उसके सेंट्रल सेंट्रल जो होती है दोस्तों, हेमे जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आयरन होती है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, यूनिवर्सल डोनर आर द पीपल विद द ब्लड ग्रुप। देखिए, अभी अभी हमने इसके बारे में बात किया दोस्तों, जो पीपल के पास ब्लड ग्रुप ओ होती है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, होमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ। देखिए, होमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट किस चीज़ की है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हेमोग्लोबिन जो है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होती है आपकी रेड ब्लड सेल की, क्योंकि आपको पता है आरबीसीज के अंदर में ही हेमोग्लोबिन पाई जाती है, रेड ब्लड सेल यानी कि रेड यानी कि हेमोग्लोबिन, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिशू। तो दोस्तों यहाँ पर अगर जो हम बात करते हैं, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कि टिशू यहाँ पे दिए गए, आपको ब्रेन दिया गया, लीवर दिया गया, ब्लड दिया गया, स्टोमक दिया गया, ये सारे में से टिशू कौन सी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ब्लड जो होती है ब्लड टिशू की तरह काम करती है, ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिशू है। क्या है दोस्तों? कनेक्टिव टिशू इसे कहा जाता है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, कनेक्टिव टिशू है ब्लड। क्या है दोस्तों? कनेक्टिव, सॉरी, ब्लड होती है आपकी क्या? कनेक्टिव टिशू, कनेक्टिव टिशू, ठीक है, तो इस बात को अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत बार एक पूछा जाने वाला है, आगे भी आने वाला एग्जाम में, ठीक है। रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस बाय द, तो देखिए रेड ब्लड सेल कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। लीवर से प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है, हॉर्मोन से या फिर हार्ट से, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल जो होती है ये आपके बोन मैरो के थ्रू ही प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जिस इंसान में बोन मैरो की अच्छी से, अब बोन मैरो कहाँ से फॉर्मेशन होती है, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में हमने बात किया है, ठीक है, उसी से बोन मैरो बनती है, ठीक है, तो बोन मैरो से ही आपकी रेड ब्लड सेल निकलती है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम द हेमेटोपोएटिक्स स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल से होती है, जिसे बोन मैरो टिश्यू कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, बोन मैरो टिश्यू से रेड ब्लड सेल निकलती है, ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। और WBC को दोस्तों ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। अगले सवाल यहाँ पे देखते हैं, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। देखिए, डिजीज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस देती है दोस्तों, वो कौन सी ब्लड होती है, ठीक है, कौन सी ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमने अभी अभी आपको बात किया था कि WBC जो होती है दोस्तों, ये आपकी क्या कराती है दोस्तों, ये आपकी बहुत तरह की यहाँ पे
WBC की हमने जब बात की थी दोस्तों, जो टी सेल होती है आपकी क्या करती है, पैथोजन के खिलाफ काम करती है, ठीक है। टी सेल जो होती है पैथोजन के खिलाफ काम करती है, और टी सेल क्या करती है दोस्तों, WBC की फॉर्मेशन कराती है। तो WBC दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि WBC कौन देता है दोस्तों, WBC यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स होती है। तो जो ब्लड कॉर्पस्कल होती है जो डिजीज़ के खिलाफ जो रेजिस्टेंस देती है वो आपकी WBC होती है, यानी कि वाइट ब्लड सेल होती है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स होती है। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, देखिए बहुत हाई एल्टीट्यूड में अगर जो आप चले जाते हैं तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो होती है ह्यूमन बॉडी में उसकी क्या होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होती है उसके साथ क्या होता है, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर जो आप एट वेरी हाई एल्टीट्यूड चले जाएंगे तो आपकी जो रेड ब्लड सेल की जो कॉर्पस्कल होती है दोस्तों, इसकी नंबर इंक्रीज हो जाती है दोस्तों, ठीक है, इसकी नंबर इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नंबर इंक्रीज कैसे हो जाती है। तो दोस्तों अगर जो वेरी हाई एल्टीट्यूड में आ जाते हैं तो नंबर ऑफ RBC ह्यूमन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC हेल्प इन द कॉम्बैट लो, यानी कि जो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसके सिचुएशन में लड़ने के लिए ये आपकी नंबर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, देखिए यानी कि लो एटमोस्फेरिक प्रेशर सिचुएशन यानी कि पॉलीसाइथेमिया हो जाती है उस दौरान, तो उसमें आपकी ये मदद करती है RBC काउंट बढ़ा करके, ठीक है। RBC काउंट इंक्रीज यानी कि ये क्या करती है, आपकी हेमोग्लोबिन के नंबर को भी इंक्रीज करा देती है, ठीक है। और O2 मॉलिक्यूल की क्या होती है दोस्तों, यानी कि O2 मॉलिक्यूल को जैसे ही जैसे हेमोग्लोबिन बढ़ती जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन कंबाइन नहीं हो पाएगी, ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बना पाएगी, उसके कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है पॉलीसाइथेमिया, हमने जो डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी कि जो आपकी ब्लड सेल काउंट अगर जो बढ़ जाती है, RBC की काउंट बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया, यानी कि हाई अल्टीट्यूड में अगर जो चले जाते हैं तो आपको ये डिजीज़ पॉलीसाइथेमिया हो सकती है, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ए ब्लड डिवाइड ऑफ कॉर्पसल टिश्यू इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जो कॉर्पसल टिश्यू जो होती है ब्लड की फ्लूइड पार्ट, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए उसको दोस्तों सेरम कहा जाता है। सेरम क्या होती है, यह एक ब्लड प्लाज्मा होती है जो कि ब्लड प्लेटलेट्स के साथ डिवाइड होती है, जिसमें प्रोटीन होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंटीजन होते हैं, हार्मोन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। यानी कि जो डिवाइड हो जाती है RBC, यानी कि उसकी कलर जो होती है सेरम पेल येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। सेरम 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड वॉल्यूम के टोटल 55% सेरम हो जाती है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, फ्लूइड पार्ट जो ब्लड की होती है जो कॉर्पसल के साथ डिवाइड होती है उसे सेरम कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, द रेड कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, ह्यूमन ब्लड की रेड कलर क्यों होती है दोस्तों, ये हेमोग्लोबिन के कारण होती है, आप पहले से जानते हैं। अगला सवाल है, रेड कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड, देखिए ये भी सवाल हम कर चुके हैं, विच इज द एंटीजन कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, ठीक है। कोगुलेंट सब्सटेंस, अभी तक तो हमने दोस्तों ये पढ़ा है कि प्लेटलेट्स के कारण कोगुलेशन, यानी कि ये सारे प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं तो कोगुलेशन होना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंटी कोगुलेशन, यानी कि कोगुलेशन होने में जो मदद नहीं कराता है वो सब्सटेंस का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। यानी कि देखिए आपको इस सवाल में, विच इज एन एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस, एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा है दोस्तों, तो यह है आपकी हेपरिन, ठीक है। हेपरिन जो होती है दोस्तों, हेपरिन जो होती है ये आपकी एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस होती है, ठीक है। कि इसमें क्या होती है दोस्तों, ब्लड को पतला कर देती है, ब्लड को थिनर करना, एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड थिन हो जाती है, ठीक है। जो आपकी क्या होती है, ब्लड क्लॉट को, दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट इन द वेसल, यानी कि वेसल्स में जो ब्लड क्लॉट हो जाती है उसको प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉट होने से, उसको थिन कर देती है, पतला कर देती है, ठीक है। और क्या होती है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड जब सर्जरी होती है, जब ह्यूमन बॉडी में सर्जरी होती है, ठीक है, सर्जरी करने के दौरान जब ब्लड क्लॉट हो जाती है दोस्तों, तो ब्लड क्लॉट होना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉट होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उस दौरान ब्लड क्लॉट हो जाती है, तो हेपरिन के होने के कारण दोस्तों क्या होती है, वो ब्लड को थिन कर देती है और ब्लड को क्या करती है, क्लॉट नहीं होने के कारण उसको प्रिवेंट कराती है, यानी कि रिस्की से प्रिवेंट कराती है हेपरिन जो है, ये एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या होती है दोस्तों, एक इट इज एन सल्फेट, ठीक है, सल्फेट होती है एंटी कोगुलेंट की, जो हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी होती है इसके बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये आपने जान गई, एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस आपकी हेपरिन होती है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, द नॉर्मल RBC काउंट इन एडल्ट मेल, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मेल में
नॉर्मल आरबीसी काउंट कितने ज़्यादा होती हैं, ठीक है, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये अप्रोक्स 5 मिलियन होते हैं, ठीक है, अप्रोक्स 5 मिलियन होते हैं एडल्ट मैन में आरबीसी, नॉर्मली अगर जो हम बात किया जाए, ठीक है, 5 मिलियन होते हैं, 5 यानी कि अगर जो हम बात किया जाए लीटर में दोस्तों, तो 5 लीटर ब्लड, ठीक है, 5 लीटर ब्लड होते हैं टोटल आपके बॉडी में, ठीक है। और जो वाइट एडल्ट जो फीमेल होते हैं दोस्तों, फीमेल में 4.5 समथिंग या फिर 4 से 5 आप कह सकते हैं एवरेज अगर जो बात करेंगे, तो फीमेल में 4 से 5 लीटर तक की होती है, ठीक है, 4 लीटर तक होती है। कैरीज द, देखिए क्या करते हैं, कैरी करते हैं होमोग्लोबिन कैरी करते हैं, और जो फर्दर क्या होती है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हेमोग्रुप को क्या करती है दोस्तों, कंटेन करा करके ब्लड हमेशा इंक्रीज होते रहती है। अगला सवाल यहाँ पे, द टर्म आर एच फैक्टर रिफर्स टू, आर एच फैक्टर क्या होती है दोस्तों, तो आर एच फैक्टर दोस्तों इसे कहा जाता है रेसस ग्रुप ऑफ ब्लड, यानी कि रेसस ग्रुप ऑफ ब्लड, इसके कारण दोस्तों ह्यूमन के बॉडी के अंदर 2 तरह के ब्लड ग्रुप आ जाती है दोस्तों, एक नेगेटिव आ जाती है, एक पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये फैक्टर है दोस्तों, इसे कार्ल लैंडसन ने ही इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर विनर के साथ में, ठीक है, किसमें इन्वेंट किया था दोस्तों, मंकी के साथ में इन्वेंट किया था, मंकी में इन्होंने देखा था कि यहाँ पे 2 तरह की उन्हें आर एच फैक्टर दिखाई जा रही है, ठीक है, आर एच फैक्टर जो पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो देखिए आप आर एच फैक्टर उन्हें ब्लड ग्रुप मैक्स इट आर एच पॉजिटिव एंड ब्लड ग्रुप, ठीक है, वाइल एब्सेंस मेक इट आर एच नेगेटिव, यानी कि ब्लड ब्लड जो कम रहते हैं दोस्तों, तो आर एच निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आर एच के बारे में है, बस आप इतने जानिए कि आर एच फैक्टर को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके फुल फॉर्म होती है रेसस फैक्टर, आपको इतने डीप में नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू ए पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको ये एग्जाम से रिलेटेड या फिर आपको ये जानना भी चाहिए कि अगर जो किसी इंसान में अगर जो रॉन्ग ब्लड दे दिया जाएगा, ठीक है, सपोज किसी के, देखिए हम बात करें किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और उसको दे दिया जाता है दोस्तों बी पॉजिटिव की ब्लड, तो उसके साथ क्या होगा, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कि रॉन्ग ब्लड दे दिया जाएगा तो उसके साथ क्या हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो रॉन्ग ब्लड सेल उसके दे दिया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा दोस्तों, देखिए उसके साथ दोस्तों आरबीसी क्या होगी, एग्लूटिनेट हो जाएगी, ठीक है, द आरबीसी एग्लूटिनेट, तो एग्लूटिनेट का मतलब क्या है दोस्तों, उसके बारे में वही हम जानते हैं। ये सवाल दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल 2010 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड देखिए रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड मीन्स दैट पर्सन विथ ए पार्टिकुलर ब्लड ग्रुप रिसीव द डिफरेंट ब्लड ग्रुप, यानी कि किसी के ब्लड ग्रुप सपोज ए है उसको बी की ब्लड मिल जाती है तो उसे ये कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। रॉन्ग का मतलब ये होता है जो क्या होता है दोस्तों, एग्लूसिनेशन करा देता है आरबीसी की, आरबीसी क्या होता है दोस्तों, क्लम्प कर जाती है और ब्लॉक हो जाती है सारे वेसल और इंसान का डेथ हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, आरबीसी क्या कर जाती है, क्लम्प कर